हरे कृष्णा एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की आपकी क्लास का पहला सब्जेक्ट है हिंदी। ओके, तो आप सभी को अपनी हिंदी की जो ओरल कविताएं हम बोलते हैं उसकी बुक का नाम क्या है, बाल गीत, आप सभी को निकालना है। और आज इसमें हम नई कविता बोलना सीखेंगे। आज की हमारी नई कविता का नाम क्या है, तितली रानी। इससे पहले की कविताओं को भी आपको भूलना नहीं है, उनको भी बोलने की रोज प्रैक्टिस करना है आपको घर पे। आप मेरे साथ साथ बोलिए, तितली रानी बड़ी सयानी, फूल फूल पर जाती है, फूल फूल से रंग चुराकर अपने पंख सजाती है, जब उसे जाओ पकड़ने झट से वह उड़ जाती है। कि ये तितली की रानी की कविता है। तितली क्या करती है, फूल फूल पर जाती है। ओके, आपको इसको बोलना सीखना है और कविता को लर्न करने के लिए, याद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको दो या तीन बार दोहराना पड़ेगा, जिससे क्या होगा आपको कविता याद हो जाएगी। तितली रानी बड़ी सयानी, फूल फूल पर जाती है, फूल फूल से रंग चुराकर अपने पंख सजाती है, जब उसे जाओ पकड़ने झट से वह उड़ जाती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज आपका हिंदी सब्जेक्ट का वर्क है। आपको इस कविता को अच्छे से याद करना है और फिर मुझे सुनाना है। कविता को याद करने के लिए आप क्या करेंगे, कविता को बार बार दो दो तीन तीन लाइन आप ऐसा कीजिए, टू टू लाइन इसके लर्न कीजिए। पहले दो लाइन लर्न कर ली, उसके बाद जब आपको ये दो लाइनें लर्न हो जाए फिर आप दो लाइनें बोलना सीखिए, जब ये चारों लाइनें आपको लर्न हो जाए फिर आप ये दो लाइनें उसमें और एड कर दीजिए। ओके, इससे क्या होगा आपको पूरी कविता अच्छे से याद हो जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, हरे कृष्णा।